पिज्जा सर, इसके हुए $14.92। हाँ ठीक है। मॉम जरा पैसे देना, उसे एक अच्छी सी टिप भी दे दो। ये ले भाई। थैंक यू। और ये रहा आपका पिज्जा। आपको कितने पैसे वापस दूं सर? अबे ये क्या है? पेपरोनी और पाइनएप्पल, आपने यही तो ऑर्डर किया था। पिज्जा पर पाइनएप्पल कौन डालता है? मैं तेरे को पागल नजर आता हूँ क्या? सिर्फ पेपरोनी मंगाया था मैंने। बाबा मैं माफी चाहता हूँ, आप पाइनएप्पल निकाल कर खाना चाहोगे या मैं वापस जाकर इसे? अब तेरा काम भी मैं करूंगा क्या? चुपचाप दूसरा लेकर आ। ठीक है सर, बस मुझे ये पाइनएप्पल अच्छा लगता है क्या? हाँ क्यों नहीं, ला दे। हाँ मुझे भी पसंद है। हाँ तो माफ कीजिए सर, मुझे वो पिज्जा वापस ले जाना होगा वरना मेरा बॉस मेरी सैलरी से पैसे काट लेगा। एक और स्लाइस ले ले, मुझे वापस देना वो। ये ले और जल्दी ला, समझा? भूख लगी है मुझे। बिल्कुल, जितना हो सके उतना जल्दी लाऊंगा। और सर मैं आपसे माफी मांगता हूँ मेरी वजह से आपको। तुमने उसे टिप दे दी ना? नहीं, मैंने तो उसे पैसे भी नहीं दिए। उस गधे ने मेरे पिज्जा पर पाइनएप्पल डाल दिया था, मैंने बोला जा दूसरा ले आ। देखो डायरेक्ट किसी के बारे में ऐसा नहीं कहते। क्या हुआ, वो तो बस एक डिलीवरी बॉय है ना, एक सीधा साधा ऑर्डर पहुंचाना कोई बड़ी बात है क्या? कुछ काम जितने दिखते हैं उतने आसान होते नहीं है। तुम नहीं समझोगे क्योंकि तुमने कभी काम ही नहीं किया। तो क्या हुआ? देखा जाए तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। मैं नहीं चाहता, मुझे तो बस पिज्जा अच्छा चाहिए और टाइम पे चाहिए। डेरेक, तुम कितने लकी हो, तुम्हारी मॉम तुम्हें बर्थडे पर कार गिफ्ट कर रही हैं। यप, मॉम ने ऑर्डर भी कर लिया, बिल्कुल वैसा ही मेटालिक ब्लू जैसे फोटो में। लगता है आ गया। इतना टाइम क्यों लगा? दरअसल वो मेरी बाइक गड्ढे में फंस गई थी, इसलिए मुझे आने में देर हो गई। चल चल, बहाने मत बना, कम से कम इस बार सही पिज्जा लाया। थैंक यू। इसके हुए 1490। इतना ठंडा पिज्जा क्यों लाया तूने? इसके पैसे मैं नहीं दूंगा। सॉरी, वो गड्ढे की वजह से मेरे बाइक का टायर पंक्चर हो गया, इसलिए मैं यहाँ देर से पहुंचा। जाने दीजिए, ये मेरी गलती है। मैं तो इसके पैसे भी नहीं लूंगा, लेकिन आप इसे अपने ओवन में 2 मिनट के लिए गर्म कर सकते हैं। देखिए मेरा काम नहीं है, अब तुम मुझे मत सिखा। अब जल्दी से गर्म पिज्जा ला, नहीं तो तेरे मैनेजर को कंप्लेन करूंगा, समझा? ठीक है सर, मैं अभी लेकर आता हूँ। न जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। गेम कैसा चल रहा है? ये अभी राइनो से लड़ने जा रहा है। क्या बात है, अभी रुको। संस जीत रहा है क्या? नहीं तो डेविन बुकर डिफेंस में खेलना नहीं सीखता तब तक नहीं जीत सकते। चलो पिज्जा आ गया। हेलो सर, मैंने खुद 2 बार चेक किया है, ये पेपरोनी है, और इस बार मैं टैक्सी से आया हूँ ताकि आपका पिज्जा गर्म रहे और जल्दी पहुँचे। दिखा मुझे। ये लीजिए। बेवकूफ समझाया क्या? क्या हुआ सर? हर एक स्लाइस पर हमेशा 3 पेपरोनी स्लाइस होने चाहिए, इस वाले पर 2 ही है। देखिए सर, हर पिज्जा अलग अलग होते हैं और ये किसी ने जानबूझ के नहीं किया है। इसमें से पेपरोनी तूने खाए क्या? मैंने नहीं, बिल्कुल नहीं सर। चलो ये रख लेता हूँ, ये ले पैसे। थैंक्स। आपको कितनी चेंज वापस दूं सर? $5 है। पर इसकी कीमत तो $14 और मैं जानता हूँ कितने का है। शुक्र मनाओ कि इतनी खराब सर्विस के बावजूद मैं तुम्हें टिप दे रहा हूँ। अच्छी बात है। I'm sorry आपको। क्या तुमने अभी उस लड़के के मुंह पर दरवाजा बंद किया? हाँ, उसने काम ही ऐसा किया था। डेरी किसी के साथ ऐसे पेश नहीं आते, खासकर जब उसने तुम्हारे लिए पिज्जा लाने में इतने चक्कर काटे। हाँ लेकिन पहली बार में सही काम करता तो उसे बार बार नहीं आना पड़ता ना। यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बोलना क्या चाहते हो? तुम्हें हर काम बड़ा आसान लगता है क्योंकि तुम्हें कोई भी चीज पाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ी। मॉम मेरे दोस्त यहाँ हैं, क्या हम बाद में बात करें? नहीं, बल्कि इन्हें भी ये सुनना चाहिए। तुम और तुम्हारे दोस्त यहाँ एसी में टीवी के सामने बैठकर मजे से पिज्जा स्लाइस पर लगे पेपरोनीज गिन रहे हो, लेकिन वो इतनी गर्मी में भाग दौड़ कर रहा है। तुम्हें तो पैसों के लिए बस मॉम को आवाज देनी होती है। खुद काम करोगे तब पैसों की अहमियत समझ आएगी। शायद तुम्हें पिज्जा डिलीवरी करके देखनी चाहिए कि ये काम आसान है या नहीं। हाँ, ऐसा कभी नहीं होने वाला मॉम।
मैं सीरियस हूँ। तुम खुद करके नहीं देखते तब तक नहीं समझ पाओगे कि वो काम कितना मुश्किल है। मैं समझ गया मॉम, अभी आप मुझे रिमोट दोगी? नहीं, बात मान लो वरना वीडियो गेम हमेशा के लिए बंद होगा और पॉकेट मनी भी बंद हो जाएगी और बर्थडे के लिए बुक की हुई कार भी कैंसिल कर दूंगी। आप ऐसा नहीं कर सकती, वो ऑलरेडी बुक्ड है। वो तो मैं डीलरशिप में कॉल करके कह सकती हूँ कि आप मुझे कार नहीं लेनी। तो बताओ क्या डिसाइड किया? इस कार के लिए तो हाँ कह दो। हाँ, तुम्हें BMW मिल रही है, तुम कितने लकी हो। इसके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, एक महीना जॉब करूंगा बस, उससे ज्यादा नहीं। तुम तो एक हफ्ता भी नहीं कर पाओगे। डेरेक मजबूरी में जॉब के लिए हाँ कह देता है। कुछ ही दिन बाद उसे पास ही के एक रेस्टोरेंट में जॉब मिल जाती है और उसे काम मिलता है पिज्जा डिलीवर करने का। शुरू शुरू में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर उसका सामना कुछ बदतमीज लोगों से होने लगा। वो गलत पिज्जा लाने के लिए गुस्सा हो जाते, देरी की वजह से पैसे काटते या गर्म ना होने से लौटा देते। हालांकि इसमें डेरेक की कोई गलती नहीं थी। अब डेरेक को समझ में आने लगा कि जॉब करना कितना मुश्किल काम है। हे डेरेक, काम कैसा रहा? हाँ ठीक था, अभी लौटा हूँ। वैसे मैं बहुत खुश हूँ कि तुम इतने दिन अपने काम पर टिक पाए हो। भूख लगी होगी ना? रुको, मैं कुछ बना कर लाती हूँ। रहने दीजिए, मैंने बस अभी मंगवाया, आप बैठिए ना, आता ही होगा। अरे वाह, अच्छा है। उसके कितने पैसे देने? वो आप रहने दीजिए, मेरी तरफ से। वाओ। हाय, ये रहा आपका लार्ज पेपरोनी पिज्जा। फिक्र मत कीजिए, इस बार मैं अच्छे से चेक करके लाया हूँ। तो इस बार पाना तो क्यों है? नहीं, ये नहीं हो सकता। मजाक कर रहा हूँ यार। ये लो $20, बाकी तुम रख लो। सच में? मैं जानता हूँ तुम्हारा काम कितना मुश्किल है। पिछली बार जो हुआ उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहता हूँ। थैंक्स, सुनकर अच्छा लगा। टिप के लिए शुक्रिया। ऐसा लग रहा है जैसे मैं इस नए डेरेक से पहली बार मिल रही हूँ। थैंक्स मॉम। चलो पिज्जा खाते हैं। ओह, मैं सोच रहा था, अब तुम्हें ये कार भी नहीं चाहिए क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस ये कहना चाहता था कि क्या हम ब्लैक कार ले सकते हैं? ओह हाँ, ब्लैक कलर भी अच्छा लगेगा।